मैं सोचा था कि भीड़ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे काफी भीड़। हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत सक्सेना, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज है संडे और अभी सुबह के 5:49 हो रहा है और आज संडे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी एक मेरे पास में एक मंदिर है जिसका नाम है देकुली धाम। यहाँ से लगभग मेरे घर से 6 या 7 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, तो मैंने सोचा कि आज वहीं पे ब्लॉग किया जाए। बहुत ही धार्मिक स्थल है, वहाँ पे सावन के टाइम में काफ़ी भीड़ होता है। अभी तो उतना भीड़ नहीं होता लेकिन सावन के टाइम में बहुत भीड़ होता है। शिव जी का मंदिर है और देकुली धाम नाम है, तो मेरे साथ जा रहा है चंद्र। हेलो फ्रेंड्स, तो हम दोनों अभी जा रहे हैं यहाँ से, धूप निकल चुका है। वहाँ पे एक बागमती नदी है तो उसमें भी अगर टाइम मिला तो नहाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से जल लेंगे और जल चढ़ाएंगे मंदिर में। तो चलिए फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चुके हैं बागमती रिवर के पास, यानी कि बागमती नदी जो कि ये है, इधर साइड में है। और ये नदी नेपाल से आती है बहते हुए और इंडिया में मतलब गंगा नदी में मिलती है, तो ये काफ़ी फेमस नदी है बागमती रिवर, शायद आप लोग भी जानते ही होंगे। और ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये कुछ दिनों पहले बिहार सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज था, यानी कि बिहार का सबसे दूसरा लंबा पुल, लेकिन अभी कोई और हो चुका है, इसका नंबर अभी ख़त्म हो गया है। बहुत ही नेचुरल जगह लग रहा है देखने में, आप शायद पीछे देख सकते हैं पूरा हरियाली ही हरियाली चारों तरफ यहाँ से दिखने में लगती है। और जो रिवर है, रिवर के दोनों साइड में काफ़ी जंगल है, तो ये जंगल के कारण बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। बस एंजॉय कीजिए, अभी हम जा रहे हैं फिलहाल नदी में नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे मंदिर में। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। लोग अभी मैं आ चुका हूँ रिवर के पास, अभी यहाँ पर नहाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई चलते हैं अभी फिलहाल नहाने के। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, अभी चल रहे हैं फिलहाल मंदिर के अंदर। यहाँ से मंदिर का मेन एंट्री है। पीछे आप देख सकते हैं मंदिर है, वो इसी मंदिर में हम जल चढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे वो जल चढ़ाने के लिए, देखिए इनसे यहाँ पे फूल वगैरह जो होता है वो सब मिलता है इधर से। तो अभी हम यहाँ से जल ले चुके हैं, फूल वगैरह जो भी होता है वो ले लिए हैं और यहाँ से हम चल रहे हैं एंट्री। तो वहाँ से
ये पीछे मंदिर का मेन एंट्री यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर लाइन लगा हुआ है। देखिए, सोचा था कि भीड़ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़। और यहाँ से मंदिर का मेन एंट्री है, यहाँ से अंदर जाते हैं, फिर जल चढ़ा कर आपसे मिलते हैं। ठीक है, ये हम लोग भी लाइन में लग चुके हैं। देखिए, ज़्यादा लंबा लाइन तो नहीं है, लेकिन सावन के टाइम में काफ़ी लंबा लाइन लगता है। भाई लोग, अभी हम लोग ने शिव जी को जल चढ़ा दिया, अभी आपने देखा यहाँ पे। बाकी का जल में अभी और भी बहुत सारे मंदिर है, तो उसमें हम चढ़ाएंगे। अभी कुछ जल बाकी है मेरे पास। तो ये था शिव जी का मंदिर और आगे भी चलते हैं। ब्लॉग पे बने रहिए मेरे साथ। ऐसे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा मैंने कर ली, जल भी चढ़ा दिया। काफी पुराना मंदिर है और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का रियल नाम जो है कि बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग इसे देखली धाम के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने फूल लिया है और यहाँ से फिर चलते हैं वापस घर की ओर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ये मेरा आईडी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें और लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।